हाय फ्रेंड्स, आज मेरे लॉग में मैंने जो वैलेंटाइंस डे का मेरे हस्बैंड को मैंने जो सरप्राइज दिया था वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने केक बना रहे तो घर पे उनके लिए और उनका बताए नहीं, सिर्फ सरप्राइज करने का सोच रहे। मतलब बच्चे भी अभी ग्रो अप हुआ ना तो उनको इंटरेस्ट आया था मम्मी कुछ करते करके। अभी हर चीज़ में उन लोग का इंटरेस्ट, मेरे को भी क्यों डाउन करने का, तो लेट्स डू करके मैंने स्कूल से आने के बाद सोच के फिर तुरंत हम लोगों ने प्लान किया था। मैक्सिमम मेरे हस्बैंड के सरप्राइजेस और स्पेशल डे सेलिब्रेशन से वो सब इंटरेस्ट नहीं रहते हैं, तो देखते हैं वो सरप्राइज होते और नहीं। करके हम लोग ने घर पे केक बनाया था। ये होममेड क्रीम भी बनाया मैंने, मतलब मलाई रहता है ना दूध के ऊपर मलाई, उनके अंदर मैंने शुगर ऐड किया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और वेनिला एसेंस और उसके साथ थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके मैंने उसको क्रीम बनाया था केक के ऊपर। सो डेकोरेशन किया था। सो नेक्स्ट अभी बेलून डेकोरेशन भी करने का, ये सब उनका ही आइडिया। बच्चे इतना एक्साइटेड है ना वो सब करने में। देखो सनी इतना खुश हो रहा है ना, उसको पापा को कुछ तो सरप्राइज करने का उसको दिमाग में है, तो उनको डाउन अप करने का मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके लिए चलो करके हम लोग ने स्टार्ट किया था। सो वी आर डेकोरेटिंग द रूम। हार्ट शेप बनाने का कोशिश किया था, फेल हो गया, डेकोरेशन नहीं हुआ, तो नॉर्मल डेकोरेशन किया था। सो दिस इज आवर फाइनल लुक ऑफ द डेकोरेशन। मतलब बैलून बहुत फूट गया था, इसके लिए जो बचा हुआ रहता उससे किया था। अभी हम लोग डोर ओपन के वो काम से आ रहे, तो सरप्राइज देखो कैसे जंप कर रहे सनी, तो वो बहुत खुश हो गया था उसको पापा का सरप्राइज करके। एंड ही ऑल्सो सो एक्साइटेड सरप्राइज देख के। सो वी आर कटिंग द केक। ये पहला वैलेंटाइंस डे है, हम लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं कभी सोचा नहीं हम लोग भी ऐसे सेलिब्रेट करूंगी करके, अच्छा लगा मुझे भी। बाद में हम लोग आइसक्रीम पार्लर गए, उधर आइसक्रीम ऑर्डर करके एंजॉय किया था। सो दिस इज़ आवर वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।